कुवैत अग्निकांड में जो कालू खां की खबर आ रही थी कुवैत से, जिसके कारण दरभंगा में उसके परिजनों में मातम सा माहौल बना हुआ है। शनिवार 2 बजे से 2:30 बजे भारतीय समय अनुसार जो दिया गया था कुवैत में जिस कंपनी में कालू खां काम कर रहा था वहां के एचआर के द्वारा उनके परिजनों को कि इस बीच में डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा और तब पता चल पाएगा कि वहां की वहां पड़ी डेथ बॉडी कालू खां की है या फिर किसी और की है। तमाम ये सवाल के साथ आज हम आपके पास जुड़े हैं और फिर इसमें ताज़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि कालू खां का जो अभी तक पहचान नहीं हो सका कि कालू खां जिंदा है या फिर मर गया है। कुवैत में जो अग्निकांड हुई है उसमें कई भारतीयों की मौत हुई है, अभी भी वहां पे अस्पताल में एक डेड बॉडी रखा हुआ है जो पूरी तरह से जल चुका है, उसकी निशाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। वहां कंपनी के एचआर के द्वारा कालू खां के भांजे को बताया गया है कि बकरीद आने वाली है, बकरीद के कारण अब कई सारे स्टाफ भी छुट्टी पे चले गए हैं, 2 से 3 दिनों का वक्त लगेगा उस डेड बॉडी की डीएनए टेस्ट करवाने में, तब जाकर के ये क्लियर हो पाएगा कि वो बॉडी कालू खां की है या फिर किसी और की है। तब तक घर में मातम का माहौल बना हुआ है। कालू खां की शादी 15 जुलाई को होने वाली थी, 5 जुलाई को कालू खां अपने वतन भारत वापस लौटने वाला था, लेकिन इस बीच में कालू खां की कोई भी खबर नहीं आनी, घर में मातम बना हुआ है। उसी मॉल में काम करते थे बाबू, एक ही तो वही था और कोई नहीं कमाने वाला है बाबू, इसकी माँ नहीं है तो उसकी बच्चा को भी वही रखे हुआ है। अभी मेसी में भी बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं, हमने वहाँ भी हमारे जो लोग रहते हैं हम उससे भी बहुत प्रयास करवा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ कालू का पता नहीं चल पाया। वो आने वाला था यहाँ तो जिस रात ये हादसा हुआ है वो अपने मोहल्ले के दोस्त यार को सबसे में उसकी बात हुई थी करीब 10 से 11 के बीच में समझे, उसके बाद जो है ये 12:03 या 4 में उसका ऑफलाइन हो गया, उसके बाद से ये हम लोगों को पता नहीं चला। उसके बाद जब सुबह जब ये न्यूज़ फैला कि इस जगह आग लग गया, बिल्डिंग में लग गया, तब हम लोगों को जानकारी हुआ कि ये उसी बिल्डिंग में ये रहता था।